हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे पास कल ही मेल के अंदर जो है कुछ बच्चों ने अपना सिलेबस भेजा है, तो सिलेबस के अंदर मैंने देखा कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। सेक्शन ए में से 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 करने हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 करने हैं, सेक्शन सी के अंदर 10 और 12 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन ए के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जो इकोनॉमिक्स का पेपर है बहुत ही ईजी आता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम के अंदर हमने कैसे लिखना है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अच्छा स्कोर नहीं ला पाते। तो आपने यहाँ पे मैं आपको वही स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन जो है किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं वही आपको बताने जा रही हूँ। देखो, जो सेक्शन ए है उसके अंदर जो सिलेबस है, थ्योरी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी है, कंज्यूमर बिहेवियर है, इंडिफरेंस कर्व है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे आपने पुराने क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उसके हिसाब से क्या है कि अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे 1-2 टॉपिक जो है आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर क्या है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, अगर वो 3 घंटे का पेपर है तो हर क्वेश्चन को आपने 35 मिनट देने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को भी टोटल जो है 10 क्वेश्चन है तो 3.5 मिनट जो देने हैं आपने, रोल नंबर सही लिखना है अपना और क्वेश्चन नंबर भी जो है आंसर शीट के अंदर सही लिखना है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो डायग्राम्स हैं वो आपने सही बनानी है, सही लेबलिंग करनी है। तो देखो, जो थ्योरी ऑफ डिमांड है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद सिग्निफिकेंस और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शंस। अब देखो, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि पूछा गया होता है डिमांड पर बच्चों को पता ही नहीं होता, कई बार शॉर्ट में भी पूछा जाता है डिमांड क्या है तो वो लॉ ऑफ डिमांड लिख देते हैं। देखो, जो डिमांड है इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। डिमांड का अर्थ होता है कि हमारे पास इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है और हम रेडी हैं। डिमांड जो होती है हमेशा टाइम एंड प्राइस के साथ होती है। और उसी तरह पहले आपने डिमांड का अर्थ बताना है, फिर आपने लॉ ऑफ डिमांड का जनरल मीनिंग बताना है, फिर उसके बाद आपने डेफिनेशन देनी है, फिर आपने लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस देनी है, उसके बाद आपने इंडिविजुअल डिमांड कर्व अलॉन्ग विद टेबल एंड ग्राफ बताना है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है। मार्केट डिमांड कर्व का भी टेबल एंड ग्राफ जो है साथ में एक्सप्लेन भी करना है, एक्सेप्शंस भी देनी है और अगर उसमें एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस या मेरिट, ये सारी चीज़ें एक ही होती है, पूछी गई हो तो आपने बतानी है, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है। और उसी तरह देखो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कई बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे भी देखो, जो आपने आंसर देना है, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बतानी है, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बताना है और जो डिग्रीज है, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है डिग्रीज को ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं और जो मेथड्स पूछे गए हैं उनको आप बिल्कुल ही नहीं बताते। तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड है, आर्क इलास्टिसिटी है, रेवेन्यू मेथड है, तो ये सारे आपने मेथड जो है बताने हैं और डिग्रीज को आपने सिर्फ एक ही पेज के अंदर बहुत ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करना है। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डिस्कस दी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पे देखो, पहले आपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जनरल मीनिंग बताना है, ले मैन की लैंग्वेज में सिंपल शब्दों में बताना है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का अर्थ क्या होता है। फिर इसके अंदर जो है 2 डेफिनेशन देनी है, एक मार्शल की डेफिनेशन देनी है, एक सैमुसन की देनी है, अजम्पशंस देनी है और उसके बाद क्या है कि आपने टेबल बना के टेबल को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने प्रॉपर डायग्राम्स बनानी है, उसको हल्का फुल्का एक्सप्लेन करना है और जो है डिस्कस आता है तो क्रिटिसिज्म ज़रूर लिखना होता है। और क्रिटिसिज्म को भी क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है तो क्रिटिसिज्म जो है आपने एक एक लाइन को अंडरलाइन करके लिख देना है। और उसी तरह देखो, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। यहाँ पे क्या है कि पहले आपने मार्जिनल यूटिलिटी का अर्थ बताना है, फिर आपने डिमिनिशिंग का अर्थ बताना है, फिर उसके बाद आपने डेफिनेशन जो कि मार्शल की है वो देनी है और उसी तरह आपने अजम्पशंस,
यहाँ पे टेबल बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपने एक्सेप्शन देनी है, उसके बाद आपने क्रिटिसिज्म जो है ब्रीफली देना है। और उसी तरह एक जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर देखो जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो यहाँ पे यहाँ ये भी हो सकता है एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसमें भी आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही लिखना है। आपने शॉर्ट रन का मतलब बताना है, आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अर्थ बताना है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपने अजम्पशंस भी देनी है। आई हैव नॉट रिटन दी अजम्पशन बट अजम्पशंस भी आपने देनी है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है, टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, टेबल की भी एक्सप्लेनेशन देनी है, डायग्राम की भी देनी है। इसकी तीन स्टेजेस होती है, हल्का हल्का उनके बारे में भी लिखना है। फिर आपने बताना है कि हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर सेकंड स्टेज तक मैन्युफैक्चर करते हैं, थर्ड स्टेज के अंदर हम स्टॉप कर देते हैं, तो वो आपने बताना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने ब्रीफली जो है इसके कॉजेज भी बताने हैं, जस्ट हेडिंग दे दो अगर आपके पास टाइम नहीं है। और उसी तरह ही हमने और अगर आते हैं एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, वैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने लॉन्ग पीरियड का अर्थ बताना है, रिटर्न टू स्केल का अर्थ बताना है, उसमें आपने टेबल बनाना है, टेबल को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो इसकी तीन स्टेजेस है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, उसके आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। और उसी तरह थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन थ्योरी ऑफ कॉस्ट। देखो इसके अंदर आपने टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उनके आगे हल्के हल्के कंपोनेंट जैसे बताने हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसी तरह आपने लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में बताना है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व जो होता है यू शेप क्यों होता है, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के बारे में बताना है, उसकी शेप्स के बारे में बताना है, और उसके साथ आपने रीजंस भी देने हैं कि क्यों वो यू शेप है। और उसी तरह देखो कई बार ये क्वेश्चन जो है डेट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन दी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका मीनिंग बताना है, उसकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है बट वेरी ब्रीफली। उसके बाद आपने टेबल बनाना है जिसके अंदर टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपने बताना है। उसके बाद आपने रिलेशनशिप जो है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का वो आपने बताना है। और उसके बाद ही देखो जो इंडिफरेंस कर्व है उसके अंदर से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन दी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद दी हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पे पहले आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है, अजम्पशन बनाना है, और थोड़ा बहुत आप इंडिफरेंस कर्व का एक पैराग्राफ लिख सकते हो और एक दो पैराग्राफ जो है आप प्राइस लाइन के बारे में बता सकते हो। उसके बाद आपने इसकी कंडीशंस के बारे में बताना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जिस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है उसी तरह से ही आप बता सकते हो। और देखो ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो आपने इनकम इफेक्ट बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉर्मल, इन्फीरियर के साथ बताना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है डायग्राम के साथ बताना है, उसके बाद आपने प्राइस इफेक्ट के बारे में बताना है और शो करना है कि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन ए के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। देखो यहाँ पे मैंने टेंटेटिव जो बनते हैं, एक्सप्लेन और डिफाइन दी फॉलोइंग, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन और इंक्रीजिंग डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीजिंग डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन फंक्शन, शेप ऑफ मॉडर्न कॉस्ट कर्व, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, प्राइस लाइन, इनकम इफेक्ट, प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, गिवन गुड्स एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो यहाँ पे जो मैंने इकोनॉमिक्स है वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वीक के सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, उसी तरह मैंने मैक्रो के भी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी आपको रेलेवेंट टॉपिक है आप ले सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो।